इंदौर में तेज रफ्तार कार ने दो लोगों की जान ले ली। घटना पलासिया थाना क्षेत्र की है, जहां तिलक नगर से तेज गति में आ रही कार ने दो लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। आपको बता दें कि कार चालक नाबालिग था। अपनी जिंदगी में पहली बार चार पहिया वाहन का स्टीयरिंग थामने वाले नाबालिग लड़के ने पलासिया थाना क्षेत्र में एक महिला और एक पुरुष को रौंद दिया। घटना में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सब्जी बेचने का काम करते थे। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पलासिया पुलिस ने मामला दर्ज कर कार जब्त कर ली है। पुलिस के मुताबिक कार चालक नाबालिग है और कार मालिक को बिना बताए कार चला रहा था। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया। ये सब्जी का ठेला लेके जा रहे थे, निकले थे सुबह, सब्जी का ठेला लेके निकले थे वो अपने सब्जी की दुकान लगाने के लिए तिलक नगर में, जो कि इनका माल आ जाता है वहाँ के लिए ले गए थे। कहाँ घटना है ये? तिलक नगर मुक्ति धाम चौराहे के पास में। उधर से बाइक कार वाला आ रहा था और एक उधर से पहले तो साइकिल वालों को टक्कर मारी उसने हल्की सी, तो उधर वो बच गए। तो इधर आके जो ये ठेला लेके जा रहे थे और पास में लक्ष्मी बाई भी चल रही थी, तो इन दोनों को उसने बिल्कुल रगड़ दिया। बहुत अंधाधुंध तेज गति से था, मौके पे स्पॉट पे ही मृत्यु हो गई थी उनकी। आज सुबह करीबन 7:30 बजे की घटना, 7:30 बजे से लेकर 8 बजे के बीच की घटना है। तिलक नगर शमशान घाट के पास एक वैगनार जो गाड़ी है वो अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसी, जिस घर में दो लोग, एक आदमी और एक औरत, उस एक्सीडेंट से घायल होकर अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कार का एक्चुअली वो क्लीनर था और वो कार बिना मालिक की अनुमति से निकाल के लेकर आ गया था, उसके बाद ये घटना घटित हुई है। और जैसी जानकारी मिलेगी वैसे आपको सूचना भी मिलेगी। पुलिस ने कार जब्त कर ली है। मामले में जांच की जा रही है। जांच के बाद कार के मालिक के खिलाफ भी उचित कानूनी कदम उठाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।